पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, कमलनाथ बड़े बड़े वादे करके सरकार में आए थे और सत्ता में आते ही उन्होंने वादे भुला दिए और उनकी सरकार चली गई। बड़ा मलहरा में बीजेपी नेता उमा भारती, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संयुक्त रैली कर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी के लिए वोट मांगे। उमा भारती ने कांग्रेस की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस जनता से बड़े बड़े वादे करके सरकार में आई और फिर उन वादों को कमलनाथ ने भुला दिया, जिस वजह से कांग्रेस के विधायकों में असंतोष फैला और कांग्रेस की सरकार चली गई। उमा ने सभा के बीच में ही मोबाइल की लाइट जलवा कर बीजेपी प्रत्याशी को विजयी घोषित कर उनको माला पहनाई। कहते हैं कि 100 एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लग जाता है। आप ध्यान देना कि कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी और छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जब ज्योतिरादित्य का अपमान हुआ, उनके साथियों का अपमान हुआ। और सच्ची बात अगर मैं बताऊं तो सच्ची बात तो ये है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार धोखे में बन गई थी। खुद कांग्रेस के नेताओं को ही पता नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी। मैं आपको बताऊं इसलिए उन्हें खूब वायदे कर दिए लोगों को, क्योंकि उन्हें लगा कि कहते हुए जो भी लोग कह रहे हैं कि नींबू के पेड़ में आम लगा दो तो कह दो कहाँ लगा देंगे, क्योंकि सरकार तो बनती ही नहीं है, सीटें बढ़ा लेंगे हम अपने। और वही हुआ, वोट हमें ज्यादा मिले, सीटें उनकी ज्यादा हो गई और परिणाम आया कि उनकी सरकार बन गई। गरीबी किसी माँ के स्वास्थ्य पर बोझ न बने, इसीलिए सरकार प्रसूति से पहले मां को पौष्टिक भोजन के लिए 4,000 रुपए देती थी। बच्चे के जन्म के बाद मां को कमाने की मजबूरी न रहे, मां बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए मिलते थे 12,000, ताकि मां को पूरा आराम मिल सके और बच्चे को पूरा पोषण। फिर 15 महीने इन लोगों ने सब बंद कर दिया, जच्चा और बच्चा दोनों को भूल गए। माँ के तो पेट पर ही लात मार दी। माँ से चापे के लड्डू ही छीन लिए। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। 10 रुपए में हर मार, 10 रुपए में इतना महंगा दे रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। जी जी, ये तो मेरा धंधा है, पर तुम्हारा सोचने के लिए तो सरकार है। वो कैसे? शिवराज सरकार फिर आ गई प्रदेश में। अब जैसे तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ है, वैसे ही शिवराज को मजदूर के जीवन से लेके मरण तक का हर पल का ध्यान है। शिवराज भैया आ गए तो फिर शुरू हो गई संबल। अब वही जाते हैं और जाकर अपना संबल कार्ड ढूंढते हैं कि पिछली सरकार ने तो सब बंद कर दिया था। अब वही जाते हैं। जी जी, कार्ड संभाल के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ भैया, हर गरीब को भरोसा है, एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।